press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार. आह, आप आइए. प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल. इज माय फेवरेट. हाँ जी, पूछिए कुछ. दिव्य दर्शन, ये अच्छी बात है कि एक तो इस नभर टाइम से वैसे भी मैं जुड़ा हूँ कि मैं 18 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए. कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें, नॉलेजेबल चीज़ें हैं. मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. सुबह आई फील माई सेल्फ वेरी चार्ज्ड. और अच्छी बात है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को इन्होंने कंसीडर किया है. वैसे तो कई लोग हैं जो इस सम्मानित के हकदार हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ लोग जो होते हैं कभी कभी अवेलेबल होते हैं. और कभी उनके बारे में जो इन्होंने NBT ने सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, हमें अच्छा लगा. और मैंने जब सामने से उनको कहा, मैंने कहा देखिए आप मुझे अवार्ड देंगे, मैं आपका थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा. कहते अरे क्यों? मैंने कहा मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा गाऊँगा भी यार, मज़ा उसमें है. मेरे को जो आनंद जिससे मिलता है, तो अपने बाजे तबले लेके आ गया, मैं थोड़ा सा गाऊँगा भी, आप भी सुनिए. आप तो जहाँ जाते हैं वैसे जलसा और उत्सव हो जाता है, पर आज आप उत्सव में शामिल हो रहे हैं. 70 साल करीब पहुँच रहा है. अच्छा, ये NBT? जी सर. अच्छा ठीक है, 30 साल के बाद फिर पूछ लीजिएगा, तब 100 साल हो जाएंगे. हाँ जी सर, स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, आपके कंठ की आवाज़ अगर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दे, जैसे आप मंच पे तो करेंगे तो हम तो वहाँ पे होंगे नहीं. हाँ जी, अपनी आवाज में अगर दिवस के ऊपर. मैंने तो सलीम सुलेमान के साथ एक गाना भी बनाया था. मैं पीर मनावन चल रही है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ही था. और चलिए आज वहाँ पे स्टेज पे भी गा देंगे उसी के उपलक्ष्य. आप नहीं आएंगे तो रौनक नहीं लगेगी, तुसी नहीं आओगे तो रौनक लगनी नहीं है, स्पेशली यू. तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है 15 अगस्त, एक सेलिब्रेशन भी है. हमें एक ऐसी तकलीफ से आज़ादी मिली, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सरल भाषा में, स्पष्ट शब्दों में अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना होगा, सरल भाषा में, नॉट विद द डिप्लोमेटिक सेंटेंसेस, कि इस तकलीफ़ से दूर करने में जिन लोगों ने शहादत दी है वो ये लोग हैं, और उनके बारे में बताना होगा. उसमें कई खूबसूरत नौजवान हैं. आप भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी होता है, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि जो बलिदान हमने दिए हैं उसमें सिर्फ एक शाम की महफिल में नहीं ख़त्म कर दिया गया, बल्कि उसे डिस्क्राइब किया गया. वी हैव टू जनरेट द हिस्टोरी ऑफ जो हमारे बलिदान जिन्होंने दिया है. तो 15 अगस्त जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे आसानी से दिन नहीं आया, इसके लिए बड़ी शिद्दत, बड़ी मशक्क़त की गई है. धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. आपका योगदान भी बहुमूल्य है हमारे संगीत, फिल्मों में, सिनेमा में, और आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत को प्रेजेंट कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तुम्हारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार.